चैलेंज आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आप लोगों ने जब भी आज अकम्प्लिस पढ़ना है, लेकिन अकम्प्लिस अकेले नहीं पढ़ा जाएगा। देखिए, कल हमने जो प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने देखा है, 3+17 देखा था, फिर हमने 4-15 देखा। ये दो टॉपिक हमने कर लिए। हमें जो आज टॉपिक कर रहे हैं, ये अकेला टॉपिक नहीं है, ये याद रखिए। ये टॉपिक कंप्लीट करने के लिए आपको 3-4 बुक्स पढ़नी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ों को अमलगामेट, यकजा कर लिया करें, नेक्सस बना लिया करें, फिर चीज़ें समझ आती हैं। आप ADPP के स्टूडेंट्स हैं, आप ASJ के हैं, DDPP है, DPG है, APG है या CJ है, कोई भी फॉर्मेट हो आपका, क्योंकि क्रिमिनल लॉ तो है ही है, हर जगह है। तो इस वजह से देखिए, आपका जो एक टॉपिक है अकम्प्लिस, अब ये अकम्प्लिस जो है, ये एक टॉपिक अगर हम यहाँ पे पढ़ें अकेला, तो ये समझ कोई नहीं आने वाला। यहीं पे पढ़ा दूँ एक आर्टिकल, इसको अंडर आर्टिकल 16, ठीक है, ये लिख दूँ तो आप कहेंगे ठीक है जी, बस इतू सा आर्टिकल है, ख़त्म हो जाएगा बात ख़त्म। बट ऐसा नहीं है। ये जब भी पढ़ेंगे आर्टिकल, इस अकम्प्लिस के साथ आप 1-9 इलस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन बी, फिर ये आर्टिकल कंप्लीट होगा। लेकिन ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया तो सेंस फिर भी नहीं आएगी। पहले आप सुनते रहें, फिर लिख लीजिएगा। इसलिए रिकॉर्ड करीदा कि तुहानू बाद जिहड़ी शय रह जाणी इहदे तों पुछ लो, ठीक है। सुन लेना अच्छे से, फिर ये समझ आ जाता है। फिर आप अपने आप से भी लिख सकते हो, जो भी करें। अकम्प्लिस को वादा माफ़ गवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? वादा माफ़ गवाह, ठीक है। और ये वादा माफ़ गवाह कब बनता है? इसको कहा जाता है पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम। ये पार्टनर इन क्राइम है जिसको कहा जाता है कि 10 लोग, 15 लोग, 1 लोग, 2 लोग एक क्राइम करने गए, जुर्म करने गए, इसको ये भी शरीके जुर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीके हयात या शरीके जुर्म, ठीक है। हाँ जी, वो शरीक है जुर्म में, ठीक है। तो शरीके जुर्म को पार्टनर इन क्राइम कहा जाता है। अब ये शख्स की गवाही, यहाँ पे बात की जाती गवाही, क्या इसकी गवाही पे सज़ा हो सकती है? आंसर इज यस। सिंपल, ये आके गवाही दे दे, सिंपल कि कहे मैं और मतलब मेरे साथी आप दो थे, हम चार थे, हम सारे चले गए, एक जगह जाके बंदे को मारा या कहीं उस कुछ भी ऐसा, अल्लाह ना करे कुछ भी ऐसा किया, तो इनमें से एक शख्स आके अगर दूसरे के ख़िलाफ़ गवाही दे दे, तो उसकी गवाही पे क्या हो सकती है? सज़ा हो सकती है। अब ये सिंपल यहाँ पे है, लेकिन कहता है इसमें कॉरोबोरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। कॉरोबोरेशन किसको कहा जाता है? कॉरोबोरेशन कहा जाता है ताईद को। ताईद, जिसे हम कहते हैं ताईदी शहादत, कहता है नो नीड ऑफ कॉरोबोरेशन। ये अकम्प्लिस कह रहा है आर्टिकल 16, बट इलस्ट्रेशन बी कहती है कि जब तक कॉरोबोरेशन ना हो ये अनवर्दी है, ठीक है। इसकी बात आप मानो ही ना, अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है। इसकी बात को क्या ना दो, कुछ वर्थ मत दो, जब तक, अब कोई भी उठ के कहे जी मैं दिन आड़ सी, उसने कहा जब तक हर बात के साथ तईद ना होती जाए, ये जो कहता है उसके साथ इसकी बात से चेन कड़ी से कड़ी ना मिलती जाए, तब तक इसकी बात मत मानो, ये कहता है। अब ये देखिए अकम्प्लिस, सिंपल यहाँ पे इतना सा ख़त्म हो गया। बट देखिए अकम्प्लिस कि क्या वर्थ है, अकम्प्लिस कौन बनाएगा, अकम्प्लिस की शहादत को कौन सा कहाँ लेके आएंगे। तो ये सिंपल आर्टिकल 16-29 नहीं पढ़ना,
इसके साथ आपने कानून शहादत QSO का ही आपने कौन सा आर्टिकल पढ़ना है जी? इसके साथ कानून शहादत का कौन सा आर्टिकल पढ़ना है? ठीक है, 37 to 45, ये सारा पढ़ना है। इसको कहते हैं कन्फेशन। क्या कहते हैं? कन्फेशन। और अगर QSO का 37 से 45 पढ़ना है तो फिर आपने इसके साथ जो है वो CRPC का भी पढ़ना है। शाबाश। CRPC का 164, 364, 533 भी पढ़ना है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कन्फेशन की। अभी हम देखेंगे, आपको लगेगा कि हम शायद किसी और टॉपिक की तरफ चल पड़े, बट नहीं, अकम्प्लिस जब भी करेगा पहले कन्फेशन करेगा। देखिए, पहले तो ये कहेगा ना कि भाई मैं तो इकट्ठे गया सी, असी जाके किता है, मतलब मैं भी किता है। सबसे पहले अपने आप को शामिल करेगा कि भाई मैंने भी किया है। वो थोड़ा किया, वो ज़्यादा किया, इस पर नहीं आ रहे हम। हम ये कह रहे हैं कि कन्फेस वो पहले करेगा। अब कन्फेशन का प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है 164। वो डेफिनेटली वो, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो जब 164 में कन्फेशन है, 364 में उसके मैनर्स हैं, 533 जहाँ कुछ उसको अगर कहीं नॉन कम्प्लाइंस 164 की हो जाती है तो फिर उसकी क्या इफ़ेक्ट क्या होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वो क्योंकि आप उधर पढ़ रहे हैं शायद वहाँ पे आपको ये समझ आए ना आए, लेकिन यहाँ ज़रूर आ जाएगा। कोई बात नहीं, पढ़ भी लेंगे तो यहाँ समझ आ जाएगा, वो वहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ से पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अच्छा, CRPC में ना, CRPC पढ़ रही है ना। अच्छा, उसके बाद आपका, अब अगर कन्फेशन पढ़ना है, कंप्लस पढ़ रहे हैं, तो साथ में CRPC का आपने, आप बताएं क्या बता रही हैं? ए तक, ठीक है, CRPC का 337 से 339 ए तक है, जिहड़े ने साढ़े हाथ नहीं रोकते पुत्र है, वेख है, मैं इतने लिखन दिया। ठीक है, वो इस तरह आपके माइंड डाइवर्ट हो जाता है। 337 से 339 ए तक, ये भी आपने इसके साथ मिलाकर, अभी मैं इसकी चेन बनाऊंगा, कड़ियां मिलाऊंगा, कैसे मिलनी है। ठीक है, अच्छा, अगर ये पढ़ना है तो फिर आपको दो चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी। कौन सी? नंबर वन, आपको पुलिस रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। पुलिस रूल्स 1934 के हैं जी। ठीक है, उसका चैप्टर आपका है, कौन सा चैप्टर है जी? 25। और रूल्स कौन से हैं? वही ढूंढ रही हूँ, कह दें 27 से 29। ठीक है, पुलिस रूल का 1934। हाँ जी, कोई बात नहीं, ये उत्ते भी लिखा होना किसी पासे। अगर नहीं, ये मगर भी पढ़ा है, ये हमने 10 दफ़ा पढ़ा है, एक बार नहीं। अच्छा, पुलिस रूल्स 1934 के अंदर चैप्टर उसका 25 है और उसके रूल 27, 28, 29 हैं, तीन रूल हैं। ठीक है, ये कन्फेशन को 27, 28 डील करेंगे और 29 आपकी इधर चला जाएगा अप्रूवर की तरफ, अकम्प्लिस की तरफ। अगर हम पुलिस रूल्स में ये पढ़ रहे हैं तो हमने कहा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स भी हैं आपके, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, ये वॉल्यूम 3 है और चैप्टर कौन सा है जी? चैप्टर कौन सा है? बस सुमम बुकमन उम युन फाउम ला यर्जी उन। ठीक है, इसका मतलब घर जाके देखिएगा। चैप्टर 13 और 14, 13 डील करता है कन्फेशन को, अप्रूवर, अप्रूवर कौन बनता है जी? बिल्कुल ऐसा ही है। अब जी देखिए, हम पढ़ना चाह रहे हैं अकम्प्लिस। अकम्प्लिस सबसे पहले कन्फेस करेगा,
कन्फेस कैसे करेगा? वो कहेगा, मैंने अभी बताया, कहेगा कि जनाब मैं और ये दोनों चोरी करने गए। तो मीनिंग देयर बाय क्या हुआ कि मैं अगर चोरी करने गया हूँ तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कन्फेस कर रहा हूँ। वट इज मीनिंग ऑफ कन्फेशन? कन्फेशन का मतलब क्या है? शाबाश, एडमिट हिज गिल्ट, अपने किए को मानना, ठीक है, अपने किए को मानना कन्फेशन है। उर्दू में क्या कहते हैं कन्फेशन को? इतनी देर में तो जीरो नंबर मिल जाता है, ठीक है, आप हाजिर रहे ना। कन्फेशन को इकबाल जुर्म कहते हैं, इकबाल एडमिशन को कहते हैं, और जुर्म लग जाए तो इकबाल जुर्म हो जाता है, इकबाल मानने को कहते हैं, ठीक है। इकबाल शऊर को भी कहते हैं, किसी का हमेशा सुने ना इकबाल हमेशा लेट आता है, वो बंदा कहता है कि शायद वो चाचा इकबाल है कोई, ठीक है, बट वो नहीं, ठीक है। इकबाल जुर्म से मुराद है जुर्म को मान लेना, अपने किए को मान लेना कन्फेशन होता है। तो क्या अकम्प्लिस जो पार्टनर है वो आके कहेगा तो वो कन्फेस करेगा, करेगा कन्फेशन, ठीक है। जब वो कन्फेस करेगा तो फिर इट मींस के वो कन्फेशन को आपको पढ़ना होगा, कन्फेस कैसे होता है, भाई कन्फेशन किसको कहते हैं, क्या कन्फेशन की कोई वैल्यू भी है। ये 37 से 45 हम 16 पढ़ने लगे थे तो हमने देखा 129 प्लेस्टेशन बी भी इसी के साथ पढ़ लिया, वो भी आर्टिकल कन्फेशन इसी का क्यू एस ओ का है। हमने 37 से 45 तक भी सारे पढ़ लेने, ठीक है, कि कन्फेशन किसको कहते हैं, कन्फेशन कौन सी मानी जाएगी, कौन सी नहीं मानी जाएगी, मतलब किस हद तक वो रेलेवेंट है, किस हद तक वो रेलेवेंट नहीं है, इररेलेवेंट है, वो सारी बातें उसके अंदर आगे जाके वो आर्टिकल 43 के अंदर जाके वो फिर अकम्प्लिस वाली बात कर देता है कि वो अकम्प्लिस क्या होता है। अगर एक बंदा दूसरे के खिलाफ दोनों पार्टनर हों और गवाही दे दे, खुद कन्फेस कर ले, क्या उसकी कन्फेशन दूसरे की तरह रेलिवेंट होगी? कहता है जी होगी, एज ए सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पर, ठीक है। वो कन्फेशन सिर्फ उसकी हद तक होगी, लेकिन दूसरे की हद तक वो क्या होगी, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पे यूज़ होगी, तो वो रेलिवेंट होगी वो 43 के अंदर जाके। हम ये टॉपिक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको हम अगर आप कहेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा करके तोड़ के पढ़ लेंगे, क्योंकि ये एक बुक नहीं हो रही। मेरे पढ़ाने में हमेशा ये चीज़ें रहती हैं कि मैं एक किताब लेके नहीं चलता, मैं चार चार किताबें इकट्ठी लेके चलता हूँ, वो जब एक ख़त्म होती है चारों ही ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है ना। अब हमें लग रहा होता है कि हम बहुत स्लो हैं, ठीक है। अब देखिए अकम्प्लिस 16 पढ़ा, 16 खोला तो 129 खुल गया, अब ये खोले तो 37 से 45 खुल गए, ये खोले तो सीआरपीसी का 164, 364, 533 खुल गया। हाँ जी, ये सीआरपीसी है ना एक्चुअली, जो आपने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ रहे हो। देखिए यहाँ पे शहादत है ना, शहादत हमने कहा क्या रेलेवेंट है, मैंने कहा था कि रेलेवेंसी के चैप्टर में क्या कन्फेशन रेलेवेंट है, हाँ ये रेलेवेंट होगा, कब होगा कब नहीं होगा ये बातें यहाँ बताई जाएंगी, इसीलिए यहाँ पढ़ना पड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ ये कम्प्लिस की बात, कम्प्लिस ये तो चैप्टर ये गवाहों का है, ये तो चैप्टर आपके रेलेवेंसी का तो है ही नहीं, क्या ये चैप्टर रेलेवेंसी का है 16? आप देखें निकालें क्यों ऐसा नहीं, रेलेवेंसी का तो शुरू 18 से हो रहा है, 18, 19 से 69 तक जाता है, तो 16 तो रेलेवेंसी में नहीं है, तो इसका मतलब ये कम्प्लिस गवाह रेलेवेंट ही नहीं है। उसने कहा कम्प्लिस गवाह बन सकता है। हम कल से परसों से जब से हमने ये पिछले 2-3 लेक्चर में हमने देखा, हमने आर्टिकल 2 से लेकर जब 15 तक पढ़ा है, तो इसमें ये सिर्फ गवाहों 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो डेफिनेशंस बता रहा था, 3 से लेकर 16 तक, 17 तक उसने विटनेसेस को कहा है,
कि कौन गवाह बन सकता है, कौन गवाही दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, कौन कॉम्पिटेंट होगा, कितनी तादाद होगी, प्रिविलेज किनको हासिल है, वो सारी बातें कहाँ लिखा उसने, यहाँ तक। अब 16 भी 17 तक, 16 17 से पहले आता है, ये भी उसने क्या बनाया है, गवाह बनाया है। यहाँ पे सिंपल वो गवाही दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अकम्प्लिस गवाह है, बट अकम्प्लिस किस बलादा ना है? वो कहता है ये वो है जो पार्टनर था, शरीक था जुर्म में, फिर शरीक था तो उसकी एविडेंस को हम देखेंगे, एविडेंस देखेंगे तो वो कहता है ये बन जाएगा कानून शहादत में, कहीं रेलेवेंट है इसकी एविडेंस? देखिए हर चीज़, हर गवाह देखेंगे तो गवाह के ऊपर आप बीइंग अ जज, बीइंग अ प्रोसिक्यूटर, आपको क्या चीज़ें देखनी है, ये ज़रूर देखनी है कि क्या ये गवाह, इसकी गवाही क्या ये कॉम्पिटेंट है। तो कॉम्पिटेंट देखने के लिए आपको आर्टिकल 3 देखना पड़ेगा डेफिनेटली। फिर वो कहता है कि अगर ये कॉम्पिटेंट है तो क्या इसकी रेलेवेंसी भी है कहीं, क्या ये रेलेवेंट है ये जो गवाही दे रहा है, तो उसके लिए आपको रेलेवेंसी का चैप्टर देखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आना पड़ेगा। क्योंकि आप कह रहे हैं कम्प्लिस है तो कम्प्लिस पार्टनर क्राइम है, ये जो कहेगा माना जाएगा, एक्सेप्ट हदूद केसेस, बस हदूद केसेस में इसकी बात पे सजा नहीं होगी, बाकी हर पे हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगली बात वो करता है कि यहाँ पे देखें कि अगर तो ये कन्फेशन कर रहा है तो कन्फेशन कौन सी कन्फेशन होती है, कन्फेशन कर कौन सकता है, किसके सामने हो सकती है, उसके मैनर्स क्या होंगे, हर काम करने का तरीका होता है ना, किसी के सामने करना है कि कैसे करना है, कौन करेगा, उसके क्या एटमॉस्फेयर होगा, सारी चीज़ें देखनी है। तो उसके लिए उसने कहा ये पढ़ो 164 सीआरपीसी, 364 सीआरपीसी और 533 सीआरपीसी पढ़ो। देखिए अब ये दोनों, ये रेलेवेंसी का चैप्टर था, यहाँ पे तरीक़ाकार बताया, ये क्या बताया, तरीक़ाकार। अब कुछ तरीका तो यहाँ बताया, लेकिन कुछ चीज़ें लाइक जज को जो यहाँ नहीं बताई गई थी। अब देखिए जो जुर्म होता है ना, और जो मुजरिम होता है, सो कॉल्ड अलेज्ड जिसको हम कहते हैं, वो शख्स हमेशा दो लोगों को जवाब दे, दो लोगों के पास एट अ टाइम चल रहा होता है, किसके पास, एक पुलिस एक कोर्ट, एक पुलिस और एक कोर्ट। देखिए पुलिस रूल्स हमने इसीलिए पढ़ा कि डेफिनेटली अब यहाँ कोर्ट में तो ये तरीका है। अब देखिए कोर्ट के अंदर सीआरपीसी में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिस हो जाती हैं, तो जब मिस हो जाती हैं तो क्या किया जाता है, फिर उसके लिए हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स बनाए गए कि जो चीज़ें यहाँ पे छोड़ गया, यहाँ पे नहीं थी, वो यहाँ आके पूरी कर देता। ये हाई कोर्ट ने अपने एक रूल्स बनाए, तरीक़ाकार बनाए, ठीक है, प्रोसीजर बनाया कि इस यहाँ पे कौन लेगा, कैसे लेगा, किस स्टेज पे लेगा, वो यहाँ बताया होगा, ठीक है। और अब वो कहता है कि अगर इसकी गवाही है तो फिर ये गवाह इसको बनाएगा कौन, ये गवाह कैसे, अपने आप तो नहीं बन जाएगा, हाँ तो उसके लिए वो बताएगा यहाँ पे 337 से 339 ए तक कि भाई कौन बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगी, गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है ना, एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जिसमें आप जाना चाहते हो, एडीपीपी के तौर पे, डीडीपीपी के तौर पे, एपीजी के तौर पे, डीपीजी के तौर पर, तो वो पीजी तक आपकी पूरी एक लेन है, चेन है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पढ़नी है, फिर आपको पता चलेगा। इसको कहते हैं टेंडर ऑफ पार्डन, उसको गवाह बनाते हैं ना तो उसको वादा माफ़ गवाह बनाते हैं, उसे कहते हैं तेनू माफ़ कर देंगे, तू गवाह बन जा तो सारा कुछ सच सच दस दे की होया सी, अगर सारा सच दस देगा
ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣੇ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਯਹਾਂ ਬਤਾਇਆ ਵਾ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਵੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੋ ਕੋ ਬਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਕੋ ਯਹਾਂ 14 ਮੇਂ ਬਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਕੇ ਲੀਏ, ਅਪਰੂਵਰ ਕੇ ਲੀਏ, ਟੈਂਡਰ ਆਫ ਪਾਰਡਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸਕੋ, ਵੋ ਅਕੰਪਲਿਸ ਹੀ ਹੋਗਾ, ਵਾਦਾ ਮਾਫ਼ ਗਵਾਹ ਹੋਗਾ। ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੋ ਮੇਰੇ ਸੇ ਪੂਛ ਲੇ, ਯੇ ਮੈਨੇ ਕੱਲ ਜੋ ਆਪਸੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਬ ਆਜ ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਆਜ ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਨੂੰ, ਕੀ ਸਿੱਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਬ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਵਟ ਇਜ਼ ਲੋ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਥਾ ਉਹ ਅਕੰਪਲਿਸ ਹੈ। ਅਬ ਅਕੰਪਲਿਸ ਕੋ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੋਏ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾ, ਹਮ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਥ ਮੇਂ ਟੈਂਡਰ ਆਫ ਪਾਰਡਨ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ, ਟੈਂਡਰ ਆਫ ਪਾਰਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਚੀਜ਼ੇ ਹਮਨੇ, ਅਬ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਕਾ ਏਕ ਹੀ ਬਨੇਗਾ, ਅਕੰਪਲਿਸ ਹੋ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹੋ, ਟੈਂਡਰ ਆਫ ਪਾਰਡਨ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਏਕ ਹੀ ਬਨੇਗਾ। ਕੈਸੇ, ਆਪਣੇ ਯੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਸਪੋਜ਼ ਵੋ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕੰਪਲਿਸ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਕੈਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਅਕੰਪਲਿਸ ਕੌਣ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਅਕੰਪਲਿਸ ਕੈਸੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ, ਤੋ ਆਪਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕੰਪਲਿਸ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬ ਦੇਖੀਏ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹਮਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਪਸ ਆਰ ਕਾਇੰਡਸ ਆਫ ਕਨਫੈਸ਼ਨ, ਆਫ ਕਨਫੈਸ਼ਨ। ਅਬ ਦੇਖੀਏ ਕੌਣ ਸੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਫੈਸ਼ਨ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਯਾ ਕਭੀ ਲਿਖਾ ਹੋ, ਲਿਖਾ ਥਾ, ਦੇਖੀਏ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਆ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ ਜੁਰਮ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਕਿਆ ਲਿਖਾ ਥਾ, ਟੂ ਐਡਮਿਟ ਹਿਸ ਗਿਲਟ, ਲਿਖਾ ਥਾ, ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਹੋ ਤੋ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਯਹਾਂ ਲਿਖਾ ਥਾ, ਵੋ ਆਪ ਉਸ ਪੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੀਜੀਏਗਾ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਹੈ। ਚਲੇ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਯੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਟੂ ਐਡਮਿਟ ਹਿਸ ਗਿਲਟ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੀਏ ਕੋ ਮਾਨਨਾ, ਜਿਸਕੋ ਹਮਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ, ਵੋ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਦੇਖੀਏ, ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜੁਰਮ ਆਪਣੇ ਕੀ, ਟੂ ਐਡਮਿਟ ਹਿਸ ਗਿਲਟ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਯੇ ਕੀਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਆ ਹੈ ਉਸਕੋ ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਬ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਿਸਕੇ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਯੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਰ ਯੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਕਿਆ ਲੋ ਮੇਂ ਕਿਆ ਕਹੇਂਗੇ, ਵੋ ਮੈਂ ਬਤਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਨੰਬਰ ਵਨ ਹਮਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ, ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਸਮਝਾਤਾ ਹੂੰ ਅਭੀ। ਨੰਬਰ ਟੂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ, ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਫੈਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ ਥ੍ਰੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਰਿਟਰੈਕਟਡ ਕਨਫੈਸ਼ਨ। ਅਬ ਜੇ ਰਿਟਰੈਕਟਡ ਵੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਆ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਮੁਕਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਨੰਬਰ ਫੋਰ ਪੇ ਔਰ ਫਾਈਵ ਪੇ ਹਮਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਨਕਲਪੇਟਰੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸਕਲਪੇਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੇ ਕਾਇੰਡਸ ਹੈ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀ, ਜੋ ਕਿਸੀ ਜੱਜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸੀ ਜੱਜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ ਵੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਗਾ,
और जो अदर देन जज होगा, अदर देन जज, वो पुलिस के सामने हो सकता है, वो किसी पंचायत के सामने हो सकता है, किसी भी पर्सन के सामने हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, इसकी वैल्यू इसीलिए नहीं होती, ठीक है, लेकिन किस हद तक होती है वो हम अभी पढ़ेंगे। आगे रिट्रैक्टेड, एक दफ़ा कन्फेशन किया, फिर क्या हुआ, रिजाइल कर गया, रिजाइल कहते हैं मुकर गया, ठीक है, फिर गया, कन्फेशन किया फिर रिजाइल कर गया, मुकर गया, वो रिट्रैक्टेड कन्फेशन होता है। अब ये जो हमारा आज टॉपिक चल रहा है, जिसको हमने कहा अकम्प्लिस, ठीक है, अब अकम्प्लिस भी कन्फेशन करता है, जब वो आके एज ए गवाह उसको कहेंगे, वो एज ए गवाह बनाएंगे, तब जब वो कन्फेस करेगा। अब देखिए, कन्फेस करने के दो तरीके होंगे उसके, या इनके मतलब होता है शामिल करना, और एक्स का मतलब होता है निकालना। मतलब कल्प्रेट है, कल्पेटरी से है, कि मैं खुद कल्प्रेट हूँ। मसलन वो कहेगा मैं और मेरा दोस्त। देखिए अकम्प्लिस का मतलब क्या पढ़ा था जी, अकम्प्लिस का क्या मतलब है, वो तो जो बनाना है उदो है ना, ये तो कहते की ने जी, क्या कहते हैं अकम्प्लिस को, शाबाश, पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर, आपने शरीक जुर्म सही कहा, पार्टनर इन क्राइम, क्या, शरीक जुर्म। देखिए शरीक तो वो होगा ना जुर्म में। अब देखिए वो कहता है मैं और मेरे साथ, शरीक का मतलब है कि मेरे साथ कोई और भी था, कि हम कह, वो कहता है ए एंड बी, कहता है मेरे साथ बी भी था, हम क्या करने गए, चोरी करने गए, ठीक है, मैं सिर्फ बाहर खड़ा रहा बंदूक लेकर, वो अंदर जाके चोर सारी चीज़ उठा के ले आया, मैं सिर्फ निगरानी करता रहा कि शायद कोई उठ गया तो मैं उसको रोक लूँगा, संभाल लूँगा। तो उसको कहता है मैं, उसने अपना रोल क्या किया, मिनिमाइज कर दिया, मिनिमाइज हिज रोल, ठीक है, अपने आप को उसने क्या किया है, निकाला है, कहते जी मैं तो सिर्फ गया सी नाल, कितना सारा इनने लाइक जैसे कहते कत्ल कर दिया, बी ए ने बी को कत्ल किया, मतलब ए और बी गए और सी को कत्ल कर दिया, ठीक है, ये मकतूल हो गया। कहता जनाब मैं कत्ल नहीं किया, मैं तो सिर्फ उसके हाथ फड़े रखे सन, ऐ जी छुरी फेरी है, इन्हें फेरी है, मतलब अपना रोल चाहे वो मिनिमाइज कर रहा है, बट वो तो है तो पार्टनर ना। तो जब वो अपने रोल को मिनिमाइज करेगा तो वो एक्सकल्पेटरी उसकी स्टेटमेंट होगी, एक्सकल्पेटरी कन्फेशनल स्टेटमेंट, ठीक है। और जिस वक्त इसी सिचुएशन में अब पूछा जाता है क्या अकम्प्लिस जो होगा प्रिंसिपल ऑफेंडर, प्रिंसिपल कल्प्रेट, वो भी क्या कर सकता है कन्फेशन, लाइक उसको भी वादा माफ गवाह बनाया जा सकता है। आंसर इज यस। उसने कहा, अब वो यही बात उसने उल्ट कर दी, उसने कहा जी मैं और वो गए, वो सिर्फ खड़ा रहा, सारा मैंने किया, तो फिर वो उसने कहा अपने रोल को क्या कर गए, मैक्सिमाइज। हाँ जी, वो अपने रोल को जब ज़्यादा करेगा, दूसरों का रोल कम करेगा, तो ऐसी सूरत में वो इनकल्पेटरी होगा, ठीक है। तो अजान बोले, बाकी देखते हैं इसको, देखते हैं। होगी स्टार्ट, चले। हम यहाँ से देख रहे थे कि कौन कौन सी इकसाम होती हैं कन्फेशन की। तो कन्फेशन की हमने काइंड्स देखी हैं कि जुडिशियल कन्फेशन होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल,
रिट्रैक्टेड वो होता है जो मुकर जाए बंदा, कोई भी कन्फेशन किया फिर उससे मुनहरफ हो गया, एरहाफ जो है रिजाइल कर गया। इनकल्पेट्री और एक्सकल्पेट्री होता है, दोनों क्या होती हैं आपकी, जो आपका टॉपिक है जिसको हम रिलेट कर रहे हैं वो अकम्प्लिस है, ठीक है। ये बाज़ुकात वो पूरा टॉपिक ही होता है, व्हाट इज़ कन्फेशन, एलेबोरेट, डिस्कस एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कन्फेशन, इस तरह का सवाल पूछ लेते, फिर आपने ये लिखना है। और इवन दो अकम्प्लिस भी पूछे तो आपने ये लिखना है, ठीक है। आपने इसको अकम्प्लिस, अकम्प्लिस कन्फेश करेगा, कन्फेशन क्या होता है, फिर आपने इनको एलेबोरेट थोड़ा करना है, इनको ज़्यादा करना है, ठीक है। अदरवाइज़ ये है सारा कोरिलेटेड। मैं इसलिए कह रहा हूँ चीज़ें आप नेक्सस बनाएंगे तो चीज़ें हमेशा अच्छे से याद हो जाएंगी, नहीं तो आपको मैं जितना घुमाता रहूँगा आप घूमते रहोगे। ये यहाँ तक आपने देखा। अब देखिए इसी के अंदर, अब बाज़ औक़ात होता है इसको कहते हैं स्टेजेस ऑफ कन्फेशन, स्टेजेस। कब कन्फेशन हो सकती है, स्टेजेस ऑफ कन्फेशन, हाँ जी किस टाइम पे कन्फेशन कर सकते हैं। देखिए पहली बात उसने कही, नंबर वन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, नहीं जी वो मैं अभी आपको यही बताया ना, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। देखिए कन्फेशन पुलिस के सामने करेगा तो एक्स्ट्रा जुडिशल होगा, हाँ मतलब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, नहीं इन्वेस्टिगेशन ही होता है ज़्यादातर, इन्वेस्टिगेट कर इंक्वायरी कर लें, जब इंक्वायरी करना है तो मतलब डायरेक्ट तो ज़्यादातर तो ये ऑफेंसेस ही होते हैं, कंप्लेंट के अंदर भी जाके वो अगर वो करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। अगर पुलिस आप कह रही हैं पुलिस, तो पुलिस के सामने करेगा तो एक्स्ट्रा जुडिशल होगा। अब वो कहा अगर हम ये सारा पढ़ेंगे, अब इसके अंदर आप 38 और 40 को मिलाकर पढ़ेंगे, ये 37 और 41 को मिलाकर पढ़ेंगे, चीज़ें इस तरह होंगी कि जुडिशल कन्फेशन रेलिवेंसी की बात करनी है ना, कि रेलिवेंट कब होता है। उसने कहा रेलिवेंसी तब होती है जब वो अगर तो कॉज बाय थ्रेट, प्रॉमिस, और तीसरी क्या चीज़ है, थ्रेट प्रॉमिस और तीसरी क्या चीज़ है, हाँ जी उसके अंदर उसने कहा कि तीसरी चीज़ है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, किसी पे किसी किस्म का कोई दबाव, वो चीज़ें तीन होंगी तो वो कन्फेशन रेलेवेंट नहीं, ये कहता है। और अगर वो रिमूव कर दी जाए वो तीनों एक्सप्रेशंस तो फिर रेलेवेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे कहता है अगर हैं नहीं है रेलेवेंट, अगर नहीं है तो रेलेवेंट है। उसने कहा 38 भी, उसने कहा 38 39 दोनों बातें करेगा कि भाई पुलिस के सामने कन्फेशन रेलेवेंट है ही नहीं, नहीं नहीं नहीं। देखिए हम जुडिशल पढ़ रहे हैं, जुडिशल बिफोर पुलिस तो है नहीं, जुडिशल का मतलब भी जज के सामने है, ये पुलिस की बात ही नहीं कर रहा, जुडिशल कभी पुलिस के सामने नहीं होता। जो मैंने पहले कहा जो अदर देन जज होगा वो एक्स्ट्रा जुडिशल होगा, ठीक है, वो अदर देन जज मैंने पुलिस भी लिखा, पंचायत भी लिखा, कोई और आदमी किसी के सामने, घर पे, पॉप के सामने, कहीं पे भी आपने देखा होगा ये कॉन्सेप्ट कन्फेशन का। एक्चुअली कन्फेस ये शैतान ने सबसे पहले कन्फेस किया था, उसने कहा मैंने नहीं करना सजदा तो नहीं किया मैंने, ठीक है। तो वो जब से इसी तरह चीज़ें होती गई, और फिर ये क्रिश्चियनिटी में आया, क्रिश्चियनिटी में भी क्या है कि वो अपने पॉप के सामने, अपने उसके ससलीब के सामने जाके क्या करते हैं, अपने गुनाहों की को मानते हैं, कन्फेस करते हैं, वो कन्फेशंस होते हैं, ठीक है। रिट्रैक्टेड मैंने कहा जो मुकर जाते हैं उनकी क्या वैल्यू है। अब ये चीज़ें सारी आपको बताई जाएंगी कहाँ कहाँ पर, ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में, ये रिट्रैक्टेड के बारे में, बाकी ये दोनों बताई जाएंगी लेकिन मिनिमाइज तौर पर।
अब देखिए 38, 39 ये पुलिस है, वो कह रहा है पुलिस के सामने तो कन्फेशन रेलिवेंट है ही नहीं, लेकिन 40 में जाके कहता है आपको पता होगा रिकवरी पूछी जाती है कि रिकवरी कौन से लॉ के तहत होती है, ठीक है। अगर उसने कहा, क्या कहा कि यार मैंने बंदे को मारा है, पुलिस वाले को आईओ को बता देते हैं ना, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसने कहा अच्छा मारा था, फिर उसने कहा लाश कहाँ है, उसने कहा चलो मैं फलां जगह दबाई हुई है, मैंने पता है, उसने किसी से मारा है, कहता छुरी से मारा है, छुरी कहाँ है, कहता वो भी मैं आपको वहाँ से निकाल देता हूँ, चलो तो वो लेके चले जाते हैं, वो जितनी उसकी पॉइंटेशन पे, ठीक है, पॉइंटेशन पे जितना उससे रिकवरी हो जाएंगी उतनी हद तक वो कन्फेशन माना जाएगा, ये 40 कहता है, ये रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। और जब अकम्प्लिस की बात आती है तो उसने कहा कि जो अकम्प्लिस होता है ये 43 आपका आर्टिकल कहता है, ठीक है, तो वो कहता है कि अगर वो करे कन्फेशन, ठीक है, वो अपनी उसकी हद तक वो रेलेवेंट होगा, उसी हद तक वो माना जाएगा, लेकिन बाकी के हद तक वो यूज होगा सरकमस्टांशियल एविडेंस के तौर पर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने अकम्प्लिस की सूरत में पढ़ी हैं। अब देखिए अकम्प्लिस कन्फेशन कब करेगा, पहले तो वो अक्यूज है, सबसे पहले क्योंकि वो पार्टनर इन क्राइम है तो फिर वो क्या है, अक्यूज है। लेकिन अब जब उसको टेंडर पार्डन की जाती, क्या की जाती है, टेंडर, टेंडर करना क्या होता है, ऑफर करना, जब पार्डन ऑफर की जाती है, ऑफर कौन करवाएगा, ये बातें आपको मैंने कल कहा था 337 से लेकर 339 ए तक सीआरपीसी में। अब जब ये टेंडर पार्डन की जाती है तो कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं, ठीक है। अब इसको पूरा चैप्टर आपका कौन सा चैप्टर 14 हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 वो डील करता है इसको, और इनको डील करता है, मैंने कल भी बताया था कौन, चैप्टर 13 शाबाश, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3, ठीक है। इसको पुलिस रूल्स 1934 चैप्टर 25 रूल 27 और 28 डील करते हैं, और यहाँ आ जाएं तो उसको आपका चैप्टर 25 रूल 29 किसका, पुलिस रूल्स 1934। आपके पास बुक्स नहीं है तो फिर कट के खोल के देख लिया करो, मैंने तो हम ये देख रहे हैं कि आपने ये देखना है कि कौन कौन सी कन्फेशन की काइंड है। इसके साथ चैप्टर 13 हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड वॉल्यूम 3 का, और साथ में पुलिस रूल्स हैं 25 चैप्टर है और उसका रूल है 27 और 28। ये आप देख रहे हैं कि इसके साथ कन्फेशन के साथ, हाँ एक्स्ट्रा ये सारी कन्फेशन जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल सारों को यही देखता है ना। और आपका 13 देखेगा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर, आपके सिलेबस का हिस्सा है ये दोनों चीज़ें, ना भी हो तो आपको ये पढ़नी होती हैं। आपको एक स्टोरी में अधूरापन कहीं नज़र आता है ना तो कुछ चीज़ स्टोरी की कहीं और पड़ी होती है, वहाँ से लेते हैं तो फिर हमें स्टोरी सारी समझ आ जाती है। ये इसी तरह है, यहाँ कुछ थोड़ा सा बताया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ बताया हुआ है कि उसकी एविडेंशरी क्या है, आप एविडेंस के तौर पर रेलेवेंट कब है और इररेलेवेंट कब है, ठीक है। फिर तरीक़ेकार जो है, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको कि पहला उसने कहा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इसका तरीका कहाँ किसके सामने होगा, तो वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आप जज के सामने करेंगे,
ठीक है, उसका तरीक़ाकार 164 में लिखा हुआ है पाँच, और मैनर जो है वो 364 में है, 364 में, और 533 भी इसके साथ मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। अब आगे पहला स्टेज है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इसको देखते रहिएगा थ्योरी थ्योरी बार, ठीक है। पहला स्टेज तो ये हो गया, अब दूसरा स्टेज कौन सा है? उसने कहा दूसरा स्टेज ये है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल एट द, अब इसको एट द टाइम ऑफ, ये भी लिखे देते हैं एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। ये जो हम देखते हैं कोर्ट में जिस वक्त चार्ज फ्रेम होता है उस वक्त भी क्या होता है, उससे पूछा जाता है डू यू प्लीड गिल्टी, कि भाई इतना सारा कुछ तेरे सामने हो गया तुम मानते हो ये? अगर तो वो कहता है यस तो बात ख़त्म, वो सब मान गया कि भाई चोरी हुई, इत्थे हुई, फला दे नाल तू गया, तेरे हाथ में सोटा सी, डंडा सी, सॉरी उसको पानी का कह उसको कह दे, बेटा वो देखें लिखा मैंने कहा है, हाँ जी वो मैंने इसी के साथ रिलेट किया, और किसके साथ करना, 337 से 339 ए आपने अकम्पस को टेंडर पार्डन कब करनी, क्या तरीक़ाकार होगा, वो सारा उधर लिखा हुआ है। हाँ जितना भी प्रोसीजर है ना 37 से लेकर 39 ए तक, वो ये है कि पार्डन टेंडर कब करनी है, यही मैं अभी सवाल की तरफ आऊँगा कि अकम्प्लिस अप्रूवर कब बनता है। अकम्प्लिस का मतलब है शरीक जुर्म, पार्टनर इन क्राइम, मतलब ये भी गुनाहगार है वो भी गुनाहगार है। जिस वक्त ये लिस्ट ऑफ विटनेसेस में आ जाएगा, हाँ फिर वो जिस वक्त अकम्प्लिस को पार्डन टेंडर की जाएगी एंड ही एक्सेप्ट दैट कंडीशंस के साथ, और कंडीशंस को फुलफिल करेगा, तो फिर वो गवाह बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, गवाह, और उसको अप्रूवर कहेंगे, उसको कहते हैं ये सुल्तानी गवाह है, क्या है, हाँ कि मतलब वो तो सुल्तानी गवाह है, उन्हें तो खुद देखा सारा कुछ, yes। तो इसके लिए कि मतलब वो तो हो ही नहीं सकता कि वो कोई मुकर सके उससे, आई विटनेस, तो आई विटनेस तो होता है, तो वो आई विटनेस खड़ा था, कोई विटनेस कर रहा था, वो तो है ना कि आप दोनों चोरी कर रहे हैं मैं खड़ा देख रहा हूँ, हाँ ये इसको कहते हैं। अब इसको स्टार विटनेस कह सकते हैं, ठीक है, स्टार वो होता है कि जिसके जिसके साथ कुछ हुआ हो या जिसने कुछ किया हो, अक्सर लड़के, अल्लाह माफ़ करे, ये जो रेप शेप के केसेस होते हैं ना उसमें लड़की एज ए स्टार विटनेस होती है, हाँ उसके साथ कुछ और विक्टिम खुद है तो उसके लिए वो स्टार विटनेस के तौर पर यूज़, क्योंकि वो जब एज ए गवाह आएगी तो वो स्टार विटनेस के तौर पर आएगी, ठीक है। तो ये है, इसको ज़्यादा गड़बड़ ना करें, इससे आगे इंशाल्लाह मैं ये सिर्फ इसको आज इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, अब स्टेजेस कंप्लीट कर लेते हैं। पहली स्टेज है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, समझ जाएंगे कल इतना लिख के दिखाएंगे, मैं तो रोज़ कहता हूँ जितना लिख के दिखाने के एबल हो जाओ उतना पढ़ लो,
ठीक है, मैथ तो पढ़ाने में एक दिन में सारी सीआरपीसी, सारा क्यूएसओ, सारा पीपीसी, सारा सीआर पुलिस रूल, सारे हाईकोर्ट रूल पढ़ा के चला जाऊंगा, मुझे तो फ़ायदा नहीं है, नुकसान आप ही का है। आपको जितना लेना है, जितना समझ आए उतना लेना, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो पढ़ाता जाऊंगा पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें अल्लाह ने मेरे जहन में डाली हैं, कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, देखी हैं, प्रैक्टिकली की है, वो चीज़ें इसलिए मुझे तो वो याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मैं उनको आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, पहला स्टेज था ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, दूसरा स्टेज था आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, जिसको हम कहते हैं एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जिसको कहा जाता है कि डू यू प्लीड गिल्टी, तो उस वक्त भी वो क्या कर सकता है, कन्फेशन कर सकता है। और एक स्टेज आता है नंबर थर्ड, जिसको कहते हैं एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342, ये होता है आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, क्लोजिंग द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये सवाल पूछा जाता है कि इतना कुछ तेरे सामने होया, सारे गवाह आए ने, सारे गवाहों ने गवाही दे दी है, सब कुछ हो गया, तुम अपने बारे में कुछ, अभी तुम्हें कुछ पूछता हूँ कि क्या ये सारे झूठ बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं, तो उसे भी कह सकता जी शायद सच बोल रहे हैं, मैं किता है एंड भी है, तो वो भी कन्फेशन होगा। मैं नहीं कहूँगा, ये सारी चीज़ें मैं जस्टिफाई करूँगा विद लॉ, हम इसको प्रॉपर बे रीडिंग करेंगे, ये एक टॉपिक नहीं है, ये मत समझना कि हम सिर्फ 16 पे खड़े हुए हैं। मसल अक्सर बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं ना, उनको लगता है जी 21 क्वेश्चन 21-16 पे फिरने हैं, तो बाकी पढ़ना कदों है, हमने 16 भी पढ़ना है, साथ में 129 बी भी पढ़ना है, ये आर्टिकल 16 है, 129 इलस्ट्रेशन बी पढ़नी है, ठीक है, साथ हमने ये देखें 37 से लेकर ऑनवर्ड से 44-45 तक ये सारा पढ़ना है। देखिए ये सारा कुछ आपके लिए है, देखिए ये एक बुक नहीं है, हम इसके साथ कौन कौन सी बुक, सीआरपीसी, क्यूएसओ, सीआरपीसी, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, पुलिस रूल्स, और रह क्या गया, चार बुक्स में से आप क्वेश्चन कवर कर रहे हो, यहाँ पूछे फिर भी सारा ये बताना है, मतलब अगर पेपर है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का और उसमें उसने कंप्लिस पूछ लिया, तो आपको तो सारा फिंगर टिप्स पे पता है, आपने सारा लिख देना है, वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर से हट के पुलिस रूल्स में से पूछ ले तो आपने सारा लिख देना है, वो हट के सीआरपीसी पे आ जाए तो आपने सीआरपीसी पे लिख देना है, वो क्यूएसओ में से पूछे तो क्यूएसओ में से लिख देना है, ठीक है। तो ये चार बुक्स के क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, वो सारा आप लोग मेमोराइज कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, हमने आज काइंड्स के ओवरव्यू लिया, हमने स्टेजेस ऑफ कन्फेशन का लिया कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कन्फेशन, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कन्फेशन, कब कैसे क्या होता है, अब कंप्लीस अप्रूवर कब बनता है, इसको हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया, इंशाल्लाह बे रीडिंग इसके साथ करके फिर आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच जी।